गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अभिलाषा इंडियन फ्लेवर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फ्रेंड्स लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली। कान्हा के लिए हमने भोग बनाया है, हमने चार प्रकार का भोग बनाया है, जिसमें से हमने एक बनाया है माखन मिश्री, धनिए की पंजीरी, पंचामृत और पंचमेवा पाक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। कान्हा का भोग बनाने के लिए सबसे पहले हम पंचमेवा पाक बना लेते हैं। पंचमेवा पाक बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक खाली पैन रखा है। इसके अंदर हम डाल देंगे एक चम्मच घी। घी को गर्म होने देते हैं। इसमें डाल देंगे 15-20 बादाम, 15-20 काजू और थोड़े से पिस्ता। इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और हल्की सी खुशबू आने तक इसको भून लेते हैं। भून गए हैं ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे जो काजू हैं उस पर सुनहरा रंग भी आ गया है। थाली में निकाल लेते हैं। निकाल लिया है हमने इसको। अब इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे। मखाने को भी भून लेते हैं। हमें मखाने के क्रिस्प होने तक भूनना है। ये मखाने भी हमारे भून गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार क्रिस्प हो गया है या नहीं। हमने एक मखाना लिया है, इसको ठंडा कर लेते हैं और ऐसे हाथ के बीच में ऐसे दबा के देखते हैं। देखिए हो गया है, क्रिस्प हो गया है। बस इतना ही भूनना है। निकाल लेते हैं इसको। जो हमने ड्राई फ्रूट्स निकाला था उसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। निकाल लिया है हमने। अब हम वापिस पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और इस घी में हम अपना गोंद हमने लिया है, गोंद को भून लेते हैं। थोड़ा सा डाल के भूनेंगे, फिर दोबारा 2 बैच में हम इसको भूनेंगे। गोंद को भूनते हुए आप अपनी गैस को स्लो रखें, ज्यादा हाई गैस पे ना भूनें, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और दांत पे चिपकेगा। गोंद भी हमारा भुन गया है, अच्छा कलर आ गया है। निकाल लेते हैं इसको भी, इसी थाली में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम अपना बचा हुआ गोंद जो है वो भी डाल देते हैं और भून लेते हैं इसको भी। देखिए भुन गया है ये भी, अच्छा कलर आ गया इसके अंदर। निकाल लेते हैं इसको भी। आधा चम्मच और घी डालते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे खरबूजे के बीज, इनको भी भून लेते हैं। खरबूजे के बीज हमारे भून गए हैं, बीज चटकने लगे हैं। इसके अंदर हम ये डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास सूखा वाला नारियल है तो उसको कद्दूकस करके ले लीजिए, उसको भी डाल सकते हैं। 2 मिनट भून लेते हैं इसको भी। भून गया है ये भी, बहुत अच्छा कलर आ गया है और हल्की हल्की खुशबू आने लगी है कोकोनट पाउडर से। निकाल लेते हैं इसको भी, गैस को बंद कर देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद और खरबूजे के बीज और कोकोनट को हमने सबने एक ही प्लेट में निकाल लिया है। इनको ठंडा होने देते हैं और इनको दरदरा कूट लेते हैं। देखिए हमने सब चीज़ों को दरदरा ऐसे कूट लिया है। अब इसके लिए हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने वही पैन रख दिया है गैस के ऊपर। इसके अंदर हम 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी लेंगे और आधी कटोरी से भी कम इसमें पानी डाल देंगे और चीनी के घुलने का वेट करेंगे। हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी को पिघलने देते हैं और 1 तार की चाशनी बना लेते हैं। देखिए चीनी हमारी घुल गई है और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे चम्मच को हम ऐसे डालेंगे तो लास्ट वाला ड्रॉप है वो तार में गिरेगा ठंडा होने के बाद, देखते हैं। गैस को हम स्लो कर देते हैं और जो भी हमने कूट कर रखा था ये सब इसके अंदर डाल देते हैं और इसी के साथ डाल देते हैं हम दरदरी कूटी हुई इलायची। मिला लेते हैं अच्छे से। बस भुन गया है ये, गैस को बंद कर देते हैं और एक ग्रीस करी हुई थाली में इसको निकाल लेते हैं और इसको जमा देते हैं। हमने थाली पे ग्रीस कर दिया है, इसके अंदर हम अपने मिक्सचर को डाल देते हैं।
और इसको जमा देते हैं। हमने थाली पे डाल दिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, हम साइड में रख देते हैं आधा घंटे के लिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी धनिए की पंजीरी बना लेते हैं। इसको रख देते हैं जमने के लिए। धनिए की पंजीरी बनाने के लिए मैंने एक छोटा वाला फ्राई पैन रखा है गैस के ऊपर। इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी को हल्का सा गर्म होने देते हैं। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है, इसके अंदर हम अपना ये डाल देते हैं 1 चम्मच गोंद। अच्छे से फुला लेते हैं इसको। देखिए गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। इसी के अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट डाल देते हैं कटे हुए, और ये मखानों को हमने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, ये भी डाल देते हैं और भून लेते हैं। इसी के साथ हमारे ड्राई फ्रूट्स और मखाने भी भून जाएंगे। आप चाहो तो इन सब चीजों को अलग अलग भी भून सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं और गोंद भी अच्छे से भुन गया है, अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम अपना धनिया डाल देते हैं, धनिया पाउडर, और अच्छे से मिला लेते हैं और धनिया के साथ 2 मिनट और भून लेते हैं। कान्हा जी के भोग में धनिया की पंजीरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कान्हा जी को बहुत पसंद होता है, तो ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कभी मंदिर गए होंगे जन्माष्टमी पे, तो जन्माष्टमी पे जो प्रसाद मिलता है उसमें धनिया की पंजीरी जरूर होती है। धनिया भी हमारा अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी धीमी धीमी इसके अंदर से खुशबू आने लगी है। बस गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए मैंने एक खाली कटोरी ली है, इसके अंदर ये दही डाल देते हैं 1 कटोरी, और ये हमने आधा कटोरी दूध लिया है। दूध हम कच्चा यूज करेंगे क्योंकि जो पंचामृत बनता है वो कच्चे दूध से ही बनता है। डाल देते हैं ये भी इसके साथ ही। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा शहद, और ये मेरे पास गंगा जल है, आधा चम्मच गंगा जल, ये भी डाल देते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो जो हम कोकोनट फोड़ते हैं ना कच्चा वाला, उसका जो पानी निकलता है वो भी गंगा जल जैसा ही होता है, उसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मिला लेते हैं। दही को हमको ऐसे ही थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है, एकदम पेस्ट जैसा नहीं करना है। चीनी अच्छे से इसके अंदर मिल गई है, देखिए चीनी नहीं है इसके अंदर। इसको हम साइड में रख देते हैं और अपना माखन मिश्री बना लेते हैं। माखन मिश्री बनाने के लिए भी हमने एक खाली कटोरी ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मक्खन। ये मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो घर का बना हुआ ताज़ा वाइट जो बटर होता है वो भी ले सकते हैं। मक्खन को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। माखन मिश्री कान्हा का सबसे प्रिय भोग है। कान्हा का भोग बनाते हुए माखन मिश्री जरूर बनाएं, क्योंकि वो कान्हा का बहुत प्रिय है। हमने अच्छे से मिला दिया है मक्खन को, इसमें हम मिश्री मिला देते हैं। ये जो टुकड़े होते हैं ना मिश्री के, हमने ये लिए हैं। अगर आपके पास मोटी मिश्री है धागे वाली, उसको मोटा मोटा कूट के वो भी ले सकते हैं। डाल देते हैं इसके अंदर और मिला लेते हैं। माखन मिश्री को भी हमने अच्छे से मिला दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारी पंजीरी ठंडी हो गई होगी। पंजीरी भी हमारी ठंडी हो गई है अच्छे से। अभी हमने इसके अंदर मीठा नहीं डाला है, अभी हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। मैंने शुगर पाउडर लिया है, चीनी को लेके मिक्सी में पीस लिया है, वो डाल देते हैं। अगर आपके पास बूरा है तो आप बूरा भी ले सकते हैं। मिला लेते हैं अच्छे से। जैसे कि आपको कुछ ड्राई ड्राई लग रहा था, हम जब हाथ से ऐसे से मिलाएंगे, ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स और हमारे जो गोंद ने जो घी पिया था उसी से ही हमारा धनिया ड्राई नहीं रहेगा। अब देखिए ये सूखा सूखा नहीं लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद, इसका अच्छा कलर आ गया है।
पंजीरी हमारी बन के रेडी है, एक बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी पंचमेवा भी ठंडी हो गई है और अच्छे से सेट भी हो गई है। कट कर लेते हैं इसको। देखिए हमने अपने पाक को पीसेस में कट कर लिया है। सारी चीज हमारी बन के रेडी है, इन सब की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए सारी चीज हमारी रेडी है, माखन मिश्री, धनिया की पंजीरी, पंचामृत और पंचमेवा पाक, ये सब ठाकुर जी को बहुत पसंद है। जन्माष्टमी पे आप भी ये सब घर में बनाएं और कान्हा को भोग लगाएं। लीजिए फ्रेंड, रेडी है हमारी कान्हा की भोग थाली। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।